आप इतनी जल्दी आ गए आज? आप तो 8 बजे तक आते हो ना ऑफिस से। कुछ काम था। तू कहाँ से आ रही? वो मैंने बताया था ना, मेरी कॉलेज की फ्रेंड अंजलि ने आना था, उसी के साथ गई थी मैं। तू मेरे से बिना पूछे गई कैसे? नहीं, वो उसकी कॉल आ गई अचानक तो मैं चली गई। तुझे मैंने 1000 बार बोला है ना कि तू मेरे से बिना पूछे कहीं नहीं जाएगी, तो तू कैसे गई है? सब देख रहे हैं आकाश। लोग देख रहे हैं तो देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? क्या हुआ? ये क्या बनाया तूने? तुझे पता है ना कि मेरे को अदरक वाली चाय पसंद है, तो तूने इसमें इलायची क्यों डाली? कल रात को आपके पेट में दर्द था ना, मैंने इसलिए अदरक नहीं डाली, मुझे लगा आपको फायदा करेगी। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, बीवी है ना मेरी, बीवी बन के रहो, माँ बनने की कोशिश मत कर, समझी? और जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना ही किया कर। करता हूँ। वो कल मम्मी पापा आ रहे हैं। मम्मी पापा? किसके मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। किससे पूछ के आ रहे हो यहाँ? वो हरिद्वार जा रहे थे, तो दिल्ली बीच में पड़ता है, तो उन्होंने बोला कि मिलते हुए जाएंगे। अच्छा, और तुमने हाँ बोल दिया होगा? मैं क्या कहती, जब से हमारी शादी हुई है वो एक बार भी घर पर नहीं आए, वो बस एक ही दिन के लिए आ रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं हो नहीं आने की, ये मेरा घर है और मैं डिसाइड करूँगा कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। उन्हें मना कर दो। पर आकाश, मैं आपकी पत्नी हूँ और ये घर मेरा भी तो है ना। अच्छा, तेरा घर है? आकाश, यू आर हर्टिंग मी। कान खोल के सुन, ये मेरा घर है और अगर तुझे यहाँ रहना है ना तो मेरी सुननी पड़ेगी, और अपने माँ बाप को बोल फोन करके कि आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? चल। निशा, तू रो क्यों रही है? चल अंदर। तुम खड़ी क्यों? तुम अंदर जाके खाना बनाओ। अब बता क्या हुआ? भैया वो निकलने। निकलने? निकलने क्या किया? शुरू में सब सही था, फिर निकल मुझ पे गुस्सा होने लगे और कल रात उन्होंने तो मुझ पे हाथ उठाया। उसकी इतनी हिम्मत, उसने तुझे मारा? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तू चल मेरे साथ। कहाँ है वो? भैया वो अभी ऑफिस में। ऑफिस में? चल ऑफिस ही चल उसके, उसके साथ के लोगों को तो पता लगा कि वो कैसा इंसान है। भैया चलो, पर पहले आपके ऑफिस चलते हैं फिर निकल के। मेरे ऑफिस क्यों जाना है? ताकि आपके ऑफिस के लोगों को भी तो पता चले ना कि आप कैसे इंसान हो। ये क्या बोल रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप भी तो भाभी के साथ ऐसे ही करते हो, उन्हें नीचा दिखाते हो, जब मन किया उन्हें जलील किया, और जब यही सारी चीजें आपकी बहन के साथ हो रही है तो आपको बुरा लग रहा है। देख, तो हमारे बीच में मत पड़, समझी? आप भी तो हमारे बीच में पड़ रहे हो ना, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में। चलने दो ना, फिर जैसा चल रहा है पिटने दो मुझे। मुझे माफ कर दे, I'm sorry। भैया सॉरी मुझे नहीं, भाभी को बोलो आप, और सिर्फ सॉरी नहीं थैंक यू भी बोलो कि वो आपको छोड़ के नहीं गई। वो तो सुबह मैंने भाभी को फोन किया तो मुझे पता लगा उनकी आवाज से वो रो रही हैं, तब मैंने उनसे बात की,
आज समझ में आया कि मैं कितना गलत था। मैंने कभी सुरभि को वो रिस्पेक्ट ही नहीं दी जो वो डिजर्व करती। पर अब से ऐसा नहीं करूंगा मैं, प्रॉमिस। पर निखिल से तो बात करनी पड़ेगी ना। निखिल मुझे नहीं मारते भैया, ये सब हम दोनों का प्लान था आपको रिलाइज करवाने के लिए। पता है भैया, जब तक बात खुद पे नहीं आती ना, तब तक किसी को रिलाइज नहीं होता। सुरभि मुझे माफ कर दो, माफी के लायक तो नहीं लेकिन फिर भी प्लीज मुझे माफ कर दो।